श्री राम लौटे अयोध्या। जी हाँ, वनवास गमन की ये जो गवाही देती धरती है अयोध्या, यहीं से हमारे साथ तमाम संत बने हुए हैं और अयोध्या श्री राम लौटे हैं तभी इस छोटी दीपावली के दिन दीपदान का इतना बड़ा महोत्सव होगा कि अंतरिक्ष से अयोध्या नगरी नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच भी क्या श्री राम का वो दूसरा वनवास खत्म कर पाएंगे, फिर से जो वनवास जो राम मंदिर को लेकर है, जहां राम लला टेंट में विराजते हैं, जहां उनका भव्य मंदिर का निर्माण का सपना सभी की आंखों में अभी भी संजोया हुआ है, इसी पर सवाल जवाब चल रहे हैं, इसी पर बहस चल रही है। लेकिन इस बीच संतोष दुबे जी से मैं पूछूंगी। संतोष जी, अभी कर्पात्री महाराज जी हमारे साथ कल भी डिबेट में थे, उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि हम जरूर चाहते हैं कि सरकार बनाए और बीजेपी ही बना पाएगी, क्योंकि उन्हीं का एक सपना है। आपको क्यों लगता है कि ऐसा नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, एक बार फिर से माहौल बनेगा, 5 राज्यों में चुनाव है, फिर चुनाव के रिजल्ट आएंगे, फिर लोकसभा की भूमि तैयार हो जाएगी, ऐसा सब क्यों लगता है? आप तो कार सेवक रहे, आपके अंदर तो सबसे ज्यादा वो जोश था, सबसे ज्यादा उत्साह था, आज भी होना चाहिए वो विश्वास। उत्साह हमारे अंदर वैसा ही है, पर जब बार बार आदमी ठगा जाता है, भेड़िया आया होता है, तो एकाध बार वास्तव में आ जाता है तो भी विश्वास न होना और होना दोनों के बीच में व्यक्ति फंसा रहता है। यहाँ क्या हो रहा है कि अयोध्या को पिछले 32 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, जब से इस आंदोलन से मैं जुड़ा हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ खाली यही एक चीज नजर आती है, अब मंदिर बनने वाला है। अब पहले तो ये होता था कि रामलला मुक्त होने वाले हैं, मुक्त हो गए तो अब ये होता है मंदिर बनने वाला है, हमारी सरकार बना दीजिए। देखिए, खेल को इस तरह से देखा जाए कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, हमारी सरकार बना दीजिए। पूरे बहुमत से केंद्र में इनकी सरकार बन गई, अब इन्होंने कहा हमारी यूपी में सरकार नहीं, यूपी में बन गई। यूं कहें तो पूरे देश के 22 राज्यों में इनकी सरकार है। अयोध्या का मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का है, यहाँ के 5 MLA, यहाँ का 1 सांसद सब भाजपा के हैं। अब कौन मंदिर बनाएगा? यूपी में योगी जी बैठे हैं जो दहाड़ कर कहते थे जिन मुसलमानों को रामलला अच्छे नहीं लगते हैं पाकिस्तान चले जाएं, मंदिर वहीं बनेगा। आज उनको घोषणा कर देनी चाहिए ना, पाकिस्तान में नहीं अयोध्या बनेगा और हम आए हैं शिलान्यास करके जा रहे हैं, नारियल फोड़ देना। ठीक है ठीक है, आपकी आपकी भावनाएं एक जगह है सर, लेकिन सोल्यूशन क्या है आप बताइए रसन साहब, कि अगर देखा जाए तो आप ही कहते हैं कि बीजेपी ही सपने को लेकर आई थी, आज आप कहते हैं कि सरकार भी चली जाएगी, आप कह रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार नहीं चाहिए, तो फिर आगे क्या सोल्यूशन है? पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई जनवरी तक टल गई है, सोल्यूशन क्या होगा आप बताइए? कोई और सरकार आएगी, जब कोई और कोई आएगा पार्टी में तो बन जाएगा क्या, बताइए? भाजपा ही बनाएगी, हम लोगों को पूरा भरोसा है, कार सेवा हुआ तो उस समय भी भाजपा की ही गवर्नमेंट थी, संतोष दुबे जी भी उसमें थे, मुलजिम भी बने जो विवादित ढांचा ढहाया गया, और ये पूरा भरोसा है कि भाजपा की ही गवर्नमेंट आएगी और इसी कार्यकाल में बनेगा, ये निश्चित है। कोई दूसरा कुछ नाम ही नहीं लेता, और लोगों के लिए तो धर्म कर्म का कोई मतलब ही नहीं है ना, और पार्टियों का, और बनेगा तो भाजपा के ही कार्यकाल में बनेगा मंदिर, दूसरा कोई नहीं बनवा पाएगा। ठीक है। रोहित चहल, अगर मेरी आवाज आ रही हो आपके पास, अभी विजय शंकर तिवारी साहब ने जो शुरुआत की थी कि देखिए इस बार टकराव हो सकता है, उनकी बात से समझ में आता है संघर्ष नहीं संग्राम होगा, आपके संत कहते हैं, लेकिन एक तरफ आप पर इतना विश्वास भी करते हैं, तो ये तो नहीं हो गया कि सरकार बहुत निश्चिंत है, उनको लगता है कि देखिए भरोसा तो हम पे करेंगे ही लोग, कोई और पार्टी तो वैसे भी नाम नहीं लेती, लेकिन आजकल तो कांग्रेस भी बहुत शिव भक्ति दिखाती है, राम भक्ति दिखाती है, राहुल गांधी जी खुद जने उधारी ब्राह्मण है, फिर क्या करेंगे सर आप? इसका नुकसान तो होगा फिर पार्टी को। माधुरी जी, साधु संतों को, पूज्य साधु संत हो चाहे पूरा देश हो, उसको भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे कि राम मंदिर जो है भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस की आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता हैं कोर्ट में खड़े होकर क्या कहते हैं कि अगर आपने इस पे डे टू डे हियरिंग करी तो हम वॉकआउट कर जाएंगे, एक बात। दिग्विजय सिंह जी का आज ही बयान अभी सुन रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो विवादित स्थल पे मंदिर क्यों बनाना चाहती है, भारतीय जनता वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाना चाहती है उनके लिए विवादित स्थल होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे लिए रामलला का जन्म स्थल है, मंदिर वहीं बनेगा चाहे कितनी भी प्रयास कर ले। दूसरी बात, चाहे शशि थरूर जी हैं वो क्या कहते हैं जो मंदिर बनाएगा वो बुरे हिंदू है, हाँ बुरे हिंदू है, हम मंदिर बनाएंगे उसी स्थान पर बनाएंगे, मैं कांग्रेस पार्टी को कहता हूँ। एक बार माधुरी जी 10 सेकंड के हाथ में नहीं है, डिप्टी सीएम कह रहे हमारे हाथ में नहीं है, माधुरी जी क्या मैं आपको 10 सेकंड सर, मैं तो आपको पूरा माधुरी जी हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल जी, हम तो चाहते हैं कोर्ट जल्द से जल्द इसमें सुनवाई करे, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोगों का भरोसा है, विश्वास बना
जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पक्ष में निर्णय दिया मंदिर के। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। शशिकांत दास हमारे साथ बने हुए, शशिकांत दास भी आचार्य है। शशिकांत जी, हनुमानगढ़ी के आचार्य हैं आप, इधर रोज जब आप मंदिर को देखते होंगे, राम के अनन्य भक्त है हनुमान जी, वहाँ जब पूजा करते होंगे तो हनुमान जी की भी यही आस होगी कि जल्द से जल्द मेरे प्रभु का मंदिर बने। लोग जब वहाँ आते हैं तो क्या क्या राय होती है लोगों की? अयोध्या आने वाले प्रत्येक नागरिक और तीर्थयात्री सभी की हार्दिक इच्छा होती है कि अयोध्या में जो आज कई सैकड़ों वर्षों से श्री राम जन्मभूमि का जो विवाद निहित है, वह किसी भी तरह से जल्दी समाधान हो और अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बने, यह सभी अयोध्या वासियों के साथ समस्त हिंदू जनता का एकमात्र यह संकल्प है, यह इच्छा हार्दिक इच्छा है। और इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, उत्तर प्रदेश में है, हर जगह है, इससे लोगों को बहुत एक आशा और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही राम मंदिर के लिए आंदोलन के लिए बढ़ चढ़ करके विश्वव्यापी होकर के और कहना चाहिए इसको विश्व स्तर पर इसको लेकर के एक मानव जागृति, हिंदू जागृति जो किया है, तो इसीलिए लोगों को आस्था भी और विश्वास भी कि भारतीय जनता पार्टी ही राम मंदिर का निर्माण करेगी। चलिए, रोहित चहल ने सुन लिया होगा शायद कि आप ही की पार्टी पर विश्वास है, लेकिन इस बीच में चक्रपाणी जी के पास आ रही हूँ। चक्रपाणी जी, आप अभी अभी धैर्य जता रहे थे, विश्वास जता रहे थे, और एक बात आपकी मैं दोहराती हूँ, आपने कहा कि आज का जो घोषणा होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, आप सोचिए कि अगर आज वो आज भी मंदिर के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं अपनी स्पीच में, आज भी वो सिर्फ ये कह देंगे कि यहाँ एक स्टैच्यू बनेगा जिसकी वो बात करें, 151 मीटर का एक राम की मूर्ति बनाई जाएगी, तो ये धैर्य नहीं टूटेगा ना, ये विश्वास बना रहेगा ना, संतों को सेट कर लेंगे ना फिर से कि हाँ ठीक है, अब आप बैठ जाइए शांत होकर, ये हो जाएगा? नहीं नहीं माधुरी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखो जो संतोष जी बोल रहे हैं अच्छरसा सही है, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप ये देखो अभी कह रहे हैं कि जी ये तो बीजेपी ही एक है जो इस मुद्दे को उठाती है, तो सवाल इस बात का, मुद्दे उठाती है, लाभ भी लेती है, वो वोट भी लेती है, नहीं तो आखिर ये बताओ इनके चेहरे पे तो कोई देख करके तो वोट देता नहीं। राम मंदिर विषय को ही देख करके गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे, राम मंदिर के लिए कानून बनाएंगे, इसके नाम पर वोट देते हैं। तो जब वोट देते हैं तो हर पार्टियां अपने एजेंडे को पूरा करती है, आते ही सबसे पहले करती है, लेकिन ये अभी 4.5 साल तक उदासीन रहे हैं, तो अब एक आशा है, अब ये अंतिम चल रहा है, अगर जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये तो स्पष्ट समझ लीजिए, और घोषणा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अगर जो नहीं करे तो भी इनको समर्थन देना लोगों की मजबूरी होगी, मजबूरी कुछ नहीं है, और सवाल है कि दूसरा कौन आएगा इसके बारे में चिंता नहीं, ये हारेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि वोट तो राम के नाम पर लेते हैं कि राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाएंगे, कानून लाएंगे, लेकिन ये सिर्फ वो करे कि जी दूसरा कोई बोलने वाला नहीं है, अरे जनता में कोई वो नहीं होता, पुनः कोई ना कोई आएगा और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, लेकिन कम से कम अपने से जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है उसका तो होगा, तो इसलिए आप वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए, और हमें अभी भी विश्वास है कि योगी जी शायद घोषणा कर दे, लेकिन आप देखो परम पवित्र अयोध्या जी में आप बैठी हैं, वहां पे संतों की एक आशा, उसका विश्वास करपात्री जी भी कर रहे हैं, उसका विश्वास राजदास जी भी कर रहे हैं, उसका विश्वास आज सब लोग कर रहे हैं रोहित चहल, लेकिन वायदा खिलाफी के आरोप भी तो लग रहे हैं आप पे सर, 4.5 साल उदासीन रहे, अचानक आप जाग गए, अचानक कहने लगे कि नहीं नहीं धैर्य रखिए हम करेंगे, अब तो वेदांती जी ने कह दिया 6 दिसंबर को हम शिलान्यास कर देंगे। सर एक बात बताइए, नहीं नहीं अभी अभी फैक्चुअल हो जाते हैं थोड़ा, आप मुझे क्लियर कीजिए, पूरा मामला कोर्ट में है, जनवरी में इसकी अगली सुनवाई होनी है, अब जनवरी तक मामला टल गया, 1.5 मिनट की सुनवाई हुई सर, पूरा मामला कोर्ट में है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, तो क्या ये आप क्लियर नहीं कर सकते लोगों को कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है? क्या वाकई आप जनभावनाओं से खेल रहे हैं? क्या वाकई आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? क्या वाकई आप जब सरकार में हैं तो विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं? विपक्ष में थे तो सरकार पर आरोप लगाते थे? माधुरी जी, हमारे लिए एक तो राजनीति विषय नहीं, हमारे लिए आस्था से जुड़ा विषय, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना हम लोग कर रहे हैं, पहली बात। माधुरी, दूसरी बात, आपने कहा देखिए कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन 2010 का भी नहीं भूलना चाहिए, हाई कोर्ट का निर्णय आया था, मंदिर के पक्ष में आया था, वोट तो मांगा ना, आप कह रहे हैं आपके लिए आस्था का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है ही नहीं, वोट तो मांगा ना आपने, बिल्कुल। देखिए माधुरी जी, हम तो इसको लेकर जो काम करना चाहिए कर रहे हैं, 2017 से पहले का कभी इस तरीके का आयोजन अयोध्या के अंदर किया गया, दिवाली का नहीं किया गया, आज 2018 ये इतना आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम जी के स्वागत खड़ी है, राम मंदिर हम चाहते हैं कि कोर्ट इसके अंदर तुरंत निर्णय ले, सरकार बधाई पात्र है, कार सेवक बैठे संतोष दुबे जी कह रहे हैं सरकार बधाई पात्र है, इतना बड़ा दिवाली का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन सर सिर्फ दीपदान से नहीं होगा ना राम मंदिर का निर्माण? देखिए हम
कह रहे हैं कि राम मंदिर वहां पर बनना चाहिए, उस स्थान पर बनना चाहिए, बनेगा। कोर्ट को तुरंत इसके अंदर निर्णय लेते हुए, हिंदुओं की आस्था को समझते हुए इसके अंदर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ माधुरी जी, ये भी जरूरी है, जो अपने आप को हिंदू बताते थे, आज राहुल गांधी जी कहाँ है? आज राहुल गांधी दिवाली मनाने का त्यौहार जब आता है तो राहुल गांधी आज यूके में बैठे हैं या इटली बैठे हैं? क्या हिंदू त्यौहार आज तक कांग्रेस पार्टी ने कोई बनाया है? इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी जी जो आज हिंदू मंदिरों की जाने बात करते थे, राम जी के अस्तित्व पे सवाल कांग्रेस हम लोग कहते हैं और कहते नहीं है, सिर्फ मंदिर बनाएंगे उसी हमारे कार्यकाल में बनेगा। देखिए दो तीन बातें मैं स्पष्ट कर कांग्रेस सर कांग्रेस दिवाली मना लेगी, कांग्रेस होली मना लेगी, कांग्रेस अगर हिंदू त्योहार मना लेगी तो क्या ये आपकी जीत है कि आप यहाँ पर किए गए वायदे पूरे करें, जनता के विकास पर ध्यान दें? ये आपकी जीत माधुरी विकास हो रहा है और वादे भी पूरे होंगे जो वादे किए हैं, मंदिर बनेगा ना? रशीदी जी सर क्या पॉलिटिकल स्टंट है सिर्फ? हाँ। माधुरी जी सुनिए, मैं एक तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ कांग्रेस की तरफ से जवाब दूं, लेकिन दो तीन बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए जब सरकार संविधान की शपथ लेती है तो उसका मतलब ये होता है कि मैं बगैर भेदभाव के अपने मुल्क के सभी नागरिकों के साथ एक सा समान सलूक करूंगा। तो कोई भी सरकार संविधान के साथ बंधी हुई है। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि योगी जी राम मंदिर का ऐलान कर देंगे, योगी जी राम मंदिर का ऐलान कर देंगे या बीजेपी राम मंदिर बनाएगी, कैसे बना सकती है? अगर ये बना सकते होते तो मैं आपको बताऊं कि ये जो जमीन का मामला है 2.77 एकड़, इसके अलावा एक 67 एकड़ जो है इनके पास अधिकृत है ऑलरेडी। अगर ये बना सकते होते या संविधान में इतनी इजाजत सरकार को होती तो 67 एकड़ जो है दे दिए होते मंदिर को और वहां काम शुरू हो गया होता। लेकिन ये सरकार को इजाजत नहीं है संविधान में, इसलिए हमारे साधु संतों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सरकार मंदिर का निर्माण नहीं करती, सरकार मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं आती, सरकार जो है देश का विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए आती है। ये राम मंदिर का मसला मुझे और आपको समझाना है, खान साहब बोल रहे थे कि ये समुदाय की बात हो रही है। मैं खान साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद का समर्थन करता हूं, मैं बीर अब्दुल हमीद का समर्थन करता हूं, आप समुदाय की बात करते हैं, कुरान में भी पढ़ा है, मुझे कुरान आती है कि सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजरीन दोस्तों, आज हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क कितई दुनिया को रुस्वा और जलील किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इन अल्लाह मुहिब अलमासिन, इसकी हिंदी परिभाषा क्या हो सकती है? इसकी हिंदी परिभाषा हो सकती है जो दीनहीन गरीब को अपने कल्ले से लगावे, जो मोहब्बत और प्यार का बात करे वो अल्लाह ताला का बंदा हो सकता है, अल्लाह ताला साथ रखता है। आपने इतिहास नहीं पढ़ा होगा, जब शाहजहांपुर में अशफाकुल्ला बीमार पड़ता था, दवा नहीं खाता था, वो कहता था कि मेरे सामने पंडित राम प्रसाद बिसुंग बुलाया जाए, और राम प्रसाद बिसुंग जब गले लगाता था तब वो ठीक हो जाता था। आपने इतिहास पढ़ा ही नहीं? अभी दो दिन पहले अयोध्या की 12 मुसलमान की बेटियों ने बुरका लगा करके हमला किया है, उनकी आंखों से आंसू आ रहा था, उन्होंने आपकी बात नहीं की, उन्होंने आपकी बात का जवाब दिया। मुसलमान राम मंदिर को नहीं चाहते, ये नहीं चाहता कि राम मंदिर ना बने। महाराज मुसलमान नहीं चाहता कि राम मंदिर ना बने, आपने अपने समुदाय की बात मुसलमान नहीं चाहता है अयोध्या में राम मंदिर बने। हाँ, ये आपने बात की सर, आपने बात की, कर्पात्री जी ने बात नहीं की, कर्पात्री जी की बात नहीं की, उन्होंने नहीं की, आपके समुदाय की बात की, आपका जवाब दे रहे हैं वो आपके लिए एकमात्र टुकड़ा, उससे आप क्यों नहीं केस वापस ले लेते? हमारे लिए हमारे राम लला का जन्म स्थली है मौलाना जी, आपके लिए टुकड़ा हो सकता है, आपके लिए मक्का पवित्र, हमारे लिए अयोध्या पवित्र है, आपको समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जनभावनाओं से जनभावना तभी ध्यान रख रहे हैं मौलाना जी, पहले मंदिर बनेगा की हम 100 दिन के अंदर अध्यादेश लाकर मंदिर बनाएंगे। अध्यादेश बहुत बड़ा विकल्प है कानून बनाने में, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, SC ST को बदल दिया इन्होंने, इन्होंने साहिबानों प्रकरण को आप जानती हैं, कांग्रेस ने बदला था, इन्होंने SC ST को बदल दिया, तो इस पर राम जन्मभूमि पर क्यों नहीं बदल? 3 तलाक पर बिल लाते हैं आप, जिसका भारत से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं सर, भारत की जनता नहीं मतलब है, भारत के कठमूल्य उसको मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं मानने को तैयार है। वो अफगानी तालिबानियों की तरह वह भी महिलाओं को 4th-5th दर्जे का नागरिक मानते हैं, वो नहीं मानने को तैयार है। लेकिन उसके लिए तो सरकार ने बढ़िया काम किया ना, उस पर तो लगाम लग लागू कर रहे हैं, लागू नहीं कर पा रहे हैं, लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको अध्यादेश लाना चाहिए राम जन्मभूमि के लिए। इनके पास 2 बड़े-बड़े विकल्प हैं और इनकी सरकार सब जगह है, अभी बहाने से काम नहीं चलेगा। और कोई कुछ कहे,
लेकिन जनता कहती है राम मंदिर नहीं तो सरकार नहीं। ठीक है, विजय शंकर तिवारी साहब, राम मंदिर नहीं तो सरकार नहीं, जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद माधुरी, माधुरी माधुरी माधुरी, ये कार सेवकों की इच्छा है, कार सेवकों का कष्ट है, संतों का कष्ट है। संत अभी दो दिन दिल्ली में थे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कानून बनाने की बात कही, यानी एक स्वर से देश में जो लोग ये चाहते हैं कि मंदिर बने, वो सब लोग ये कह रहे हैं कि संसद में कानून बनाने की बात चालू हो। और जो लोग एक मिनट और जो लोग मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, वो कभी सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, कभी आपसी सहमति की बात करेंगे। न ये सुप्रीम कोर्ट से बनने वाला है और न ही आपसी से बनने वाला है, ये बनने वाला है तो संसद से, संसद में बिल ला करके, संसद में कानून बना करके, और संसद केवल संसद से मंदिर बनेगा। दूसरा आज के समय कोई रास्ता नहीं है। जो संत कह चुके हैं, जो कार सेवक कहते हैं, पीड़ित कहते हैं, भक्त कहते हैं, रोहित चल लास्ट कमेंट रोहित, बीजेपी का क्या वर्जन है बता दीजिए, वहाँ पर स्थान पे रामलला का स्वागत करेंगे योगी आदित्यनाथ। अगर वो ऐलान नहीं हुआ राम मंदिर को लेकर, तो क्या स्थिति और बिगड़ जाएगी? रामलला का स्वागत करने नहीं गया, एक मिनट का ऐलान। और दूसरी बात, मौलाना जी मंदिर बनेगा, आप लोग कितना भी विरोध कीजिए, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। योगी जी जा रहे हैं और खुशखबरी वहाँ पर देंगे, पहली बार कोई मुख्यमंत्री जा रहा है, आपके वोटों की खातिर कोई मुख्यमंत्री नहीं गया, लेकिन मुख्यमंत्री जा रहे हैं। मैं तमाम मेहमानों का तो शुक्रिया करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी जनता को भी बता दूं कि आज एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि दीप दान के उस अवसर पर जो अंतरिक्ष से देखा जाएगा, क्या उस अवसर पर जहाँ वनवास खत्म होने की खुशी हम मना रहे हैं, क्या अयोध्या में श्री राम रामलला टेंट से निकलकर राम मंदिर पर लौटने की राह पकड़ पाएंगे आज के इस वादे के साथ, या फिर से कहीं ना कहीं आज के शाम होते होते तक लोग थका हुआ अपनी झोली में एक धोखा एक वायदा फिर से लेकर जाएंगे। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज शाम का इंतजार कीजिए। आज शाम भी हम लगातार इस डिबेट पर, इस तरह की बहस पर बने रहेंगे। तब तक के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।